इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। सुना आपने, शहरों को करबला बना देने की धमकी देते ये कोई मौलवी या मौलाना नहीं है, ये जेडीयू के नेता है जो सांसद और एमएलसी तक रह चुके हैं। इन्होंने कई बार संविधान की शपथ ली होगी, लेकिन अब शहरों को करबला बना देने की धमकी दे रहे हैं। अलियाबी तो कहता है मुझे जितनी गालियां देनी हो दे लो, लेकिन मेरे आका की इज्जत को हाथ डालोगे ना? अगर मेरे आका की इज्जत को हाथ डालोगे तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। बलियाबी ने बयान हजारीबाग की एक रैली में दिया, ये आरोप लगाते हुए कि जब बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने इस्लाम के खिलाफ विवादित बयान दिया तो खुद को सेकुलर बताने वाली किसी पार्टी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग नहीं की। गुलाम रसूल बलियाबी के भड़काऊ बयान से बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसे सांप्रदायिक बयान करार देते हुए नीतीश सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं जेडीयू और कांग्रेस ने मामले पर संभल कर जवाब दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण है जो बयान उस तरह का दे रहे हैं, वो लगता है कि सांप्रदायिक है। भाजपा और आरएसएस के लोग अलग अलग राजनीतिक दलों में बैठे हुए हैं और वो समय समय पर कम्युनल पोलराइजेशन के लिए ऊटपटांग बातें बोलते रहते हैं। देश का आम मुसलमान अब इनका असली चेहरा पहचान चुका है। आप देश के आम मुसलमान से पूछिए, क्या वो कभी चाहेगा कि उनका ये मुल्क, उनकी ये जमी करबला का मैदान बन जाए? वो नहीं चाहते हैं। वो सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, मुल्क की खुशहाली चाहते हैं। इसलिए इन सब नेताओं के बयानों को नोटिस नहीं लेना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। राजनेता को कोई धर्म पर बोलने का, वो धर्म गुरु कोई बोलते हैं तो अच्छा है, राजनेता को विकास पर और क्षेत्र के समस्याओं पर उस पर कोई रखने का अधिकार होता और रखना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि करबला क्या है, तो आइए उस करबला को भी जान लेते हैं जिसका जिक्र करते हुए जेडीयू नेता ने शहरों को करबला बनाने की धमकी दी है। करबला इराक की राजधानी बगदाद से 88 किलोमीटर दूर एक शहर है। यहीं पर खुद को इस्लाम का खलीफा घोषित कर चुके यजीद नाम के शासक ने खून की होली खेली थी। यजीद की सेना ने हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की हत्या कर दी थी। अब आप जरूर समझ गए होंगे कि जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियाबी के करबला बना देने की धमकी का क्या मतलब है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब गुलाम रसूल बलियाबी ने भड़काऊ बयान दिया हो, इसके पहले भी वो कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। गुलाम रसूल बलियाबी के इस ताजा भड़काऊ बयान ने सियासत की आग में घी डालने का काम किया है। इसकी तपिश कहां तक जाती है और किस किस को झुलसाती है, बहुत जल्द पता चल जाएगा। न्यूज 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।